हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसआई एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा जो है कारनॉट मैप पे है, यानी के मैप पर है। के मैप के हम लोग जो है कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज हमारा जो है लाइव सेशन है, इससे पहले का कल का सेशन जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है, आप जाके इस YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो अभी हमने हाल में ही ये चैनल लॉन्च किया है, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है यहाँ पर, और सब्सक्राइबर के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इतने नहीं हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और आपको कोई लेक्चर या क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक करना और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ के मैप, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि के वी एस, यू जी सी नेट, सेट एग्जाम, नाइलेट एग्जाम, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, इसरो और राजस्थान कंप्यूटर टीचर या फिर किसी भी तरह के स्टेट लेवल की कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं कंप्यूटर साइंस में जो कि बीएसआई एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट, सेट एग्जाम्स, केवीएस, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, नाइलेट्स का साइंटिस्ट भी एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ए पोस्ट का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम और राजस्थान कंप्यूटर टीचर के कोर्सेज जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रॉल में चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग जो है डिजिटल लॉजिक की बात करेंगे। डिजिटल लॉजिक में भी हम लोग जो है के मैप सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे और हम लोग जो है स्टार्टिंग से ही आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी हेल्प से आपके सामने मैं के मैप को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो आपके सामने एक फंक्शन दे रखा है, यानी जब भी हम लोग के मैप का यूज करते हैं तो के मैप का यूज जो है किसी भी एक्सप्रेशन को उसे सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास चार वेरिएबल हैं, ए बी सी डी। तो इसमें अगर आपके पास चार वेरिएबल हैं तो चार वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेंगे वो हमको कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे 2^4, दैट इज 16 आउटपुट मिलेंगे। अब उसमें से कुछ आउटपुट जो है वो आपके 1 की फॉर्म में है, यानी वो आपके फंक्शन जो है उनको वैलिडेट कर रहा है, जिसमें 1, 4, 5, 9, 11, 12 है, है ना। तो अब आपको बताना है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करूंगा या फिर इस फंक्शन को मैं, जो मैंने लिखा है ये फंक्शन, इसको मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ एवर वेरिएबल, तो हमारा वेरिएबल क्या होगा, मतलब एक तरह से हमारा जो एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा। तो अगर मैंने आपके सामने बोला कि देखिए यहां पे जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने 1, 4, 5, 9, 11, 12 है, क्या है, 1, 4, 5, 9, 11, 12, मैं लिख देता हूं फंक्शन आपका जो है वो है, वैल्यू को मैं लिख देता हूं आपके सामने तो शायद सही रहेगा। आपके सामने फंक्शन आपका है ए बी सी डी और वैल्यू आपके सामने है 1, 4, 5, 9, 11 and 12 ओके। तो ये वैल्यू आपके सामने है, तो ये वैल्यू को अगर आप इसको मिनिमाइज करेंगे, इस वैल्यू को अगर आप मिनिमाइज करेंगे या फिर इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो देखिए आपके सामने जो के मैप आएगा तो उसमें 16 सेल होने चाहिए। जैसे कैसे होगा, ये आपने यहां पर ए बार बी बार लिख दिया, यहां पर आपने इसको ऐसा करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, वो शायद आपके लिए सही रहेगा। तो वैल्यू मुझे याद है क्या है, जैसे ए बार बी बार, ए बार बी, देन ए बी एंड लास्ट में आ जाएगा आपका ए बी बार, ठीक है। इसी तरह से यहां पे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और यहां पे लास्ट में आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज योर इन दिस वे, ओके। नाउ अब आपके सामने जो एक्सप्रेशन था वो था वन, वैल्यू थी 1, 4, 5, 9,
11 एंड 12 केवल यहां पर 1 था और बाकी जगह पर 0 था। तो जब आप इनकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, यहां पे 0 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 2 होगा, ओके। इसी तरह से 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14, ओके। इस तरह से वैल्यू है। अब आपकी जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 1 है, 1 मतलब यहाँ पर ये वैल्यू हमारी जो है ये 1 है। देन 4, वेयर इज 4, 4 इज हेयर। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 5, 5 इज हेयर। देन 9, वेयर इज 9, 9 इज हेयर। देन नेक्स्ट इज 11, 11 एंड लास्ट टर्म इज 12, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब देखिए इन वैल्यूज को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब इनको एक्सप्रेशन को हम लोग मिनिमाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक्सप्रेशन आपका ये आ जाएगा, आपको 2, 4, 8, 16 इस तरह के आपको ग्रुपिंग बनने हैं। तो ये एक आपने ये बना दिया और एक आपका जो है ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या क्या है जरा देख लेते हैं। तो जो मैं सबसे पहले जो कॉर्नर में है, जरा इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगा मैं, इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए मुझे जो यूज करना पड़ेगा जो टर्म्स आएगी वो आएगी बी सी बार डी बार। उसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है जो वन हमारे पास आ रहे हैं वो आएगा ए बी बार, इसी तरह से ये आ जाएगा आपका डी। देन ये वाला जो वन है आपके ऊपर जो है ये कॉलम जो है आपके सामने वो आ जाएगा आपका ए बार सी बार डी, ओके। तो इस तरह से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो इस तरह से आ जाएगा बी सी बार डी बार ए बी बार डी बार सॉरी ए बी बार डी ए बार सी बार डी। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट है, ओके, फर्स्ट जो है करेक्ट है, आप इसको मैच करा सकते हैं। मैंने एक निकाला है बी सी बार डी बार ए बार ए बी बार डी, तो यहां पे यही है फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है, ओके। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप जो है इस तरह से इनको लिख सकते हैं, तो फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है यहां पर चार वेरिएबल दिए हैं W X Y Z, है ना। इसी तरह से यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे समेशन दे रखा है जो कि हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ थ्री वेरिएबल है, या फिर डिपेंडेंट ऑन ऑल द वेरिएबल है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके सामने जो आपका एक्सप्रेशन है आपको लिखना है। जरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम जरूर। चलिए तो यहां पर आपका डब्लू एक्स ये आ जाएगा, इसी तरह से यहां पर डब्लू एक्स इस तरह से मैं इनको लिख देता हूं। ये आपको एक्सप्रेशन एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे देन आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी इनको याद करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे तो लगभग याद हो गया है कि इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ काफी समय से मैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करा रहा हूं। तो इस तरह से वैल्यू जो है हम लोगों ने लिख दी है, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है जैसे वन है, वेयर इज वन, वन यहां पर आएगा आपका, थ्री आपका यहां पर आएगा, देन 4 आएगा यहां पर आपका, देन 6 आएगा, इसी तरह से यहां पर 8, देखिए यहां पर 9 आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा और लास्ट में 12 आएगा यहां पर, ओके, 12 आ जाएगा और यहां पर 14 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये 2-2 के पेयर है, ये 2-2 के पेयर है, बट एक्चुअली में ये 4-4 के पेयर है, क्योंकि इसको भी आप जो है इसके साथ कर सकते हैं पेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर वाले जो है वो पेयरिंग हो जाते हैं। इसी तरह से ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है आपके ये पेयरिंग हो जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा ये टू, तो अगर आप 2-2 से भी इसको करेंगे तो भी ये जो है आखिरी में जो उसका जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा वो आप थ्योरम से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है जो मैं स्टार्ट जो वर्टिकल वाले हैं जरा उनको लिखता हूं मैं। तो ये वर्टिकल वाला जो होगा एक्सप्रेशन जो होगा
इसमें आपको जो आंसर आए, मतलब जो एक्सप्रेशन आएगा, मतलब मैं इन दोनों का लिख रहा हूँ, इन दोनों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आएगा आपका, एक तो आएगा आपका x बार, ठीक है, w नहीं आएगा, और इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा z, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है दोनों की, वो भी इसी तरह से आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका x अगेन, और दूसरा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा आपका z बार, ठीक है। तो यहां पर आपका जो एक्सप्रेशन आया है, जो फंक्शन की जो वैल्यू आई है, वो आपकी वैल्यू आई है x बार z प्लस x z बार, जिसको आप फर्दर जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, x नॉर x और z लिख सकते हैं। तो ये जो है आपकी फाइनल वैल्यू है। तो यहां पर आपकी वैल्यू जो है y के टर्म्स में नहीं है और w के टर्म्स में नहीं है, यानी इस एक्सप्रेशन में केवल दो ही वेरिएबल है, दैट इज योर x एंड z, क्लियर है। तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है y और w से। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल। और कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर y नहीं है और इसके अंदर w नहीं है, केवल x और z के टर्म्स में। तो प्लीज मार्क सेकेंड एज अ करेक्ट आंसर, क्लियर है, ओके। नाउ तो इसमें यहां पे जो करेक्ट आंसर आपका सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन आपके सामने एक फंक्शन दे रखा है, ए बी सी डी वेरिएबल दे रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट दे रखा है। सेम वही क्वेश्चन है, आपको इसी मेथड से अप्लाई करना है और बताना है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं और मैं जो है डायरेक्टली जो है इसके आंसर को आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था, हम लोग इसी तरह से पहले ए टर्म, ए की टर्म्स और बी की टर्म्स को लिखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग सी और डी की टर्म्स को लिखेंगे। डन, क्लियर है। चलिए देन मैं दोनों की टर्म्स को लिखता हुआ जाता हूं। इस तरह से हम लोगों ने यूज किया। अब वैल्यूज को लिखने का हमारे पास समय आ गया है। पहले आया है टू और थ्री, वेर इज टू, जीरो, वन, थ्री, टू, इट्स थ्री टू, देन सिक्स सेवन, सिक्स सेवन, यहां पे सेवन आएगा, यहां सिक्स आएगा, एट और नाइन, वेर इज एट, एट, नाइन, देन टेन, इलेवन, टेन, इलेवन कौन सा है, ये इलेवन हो गया, ये टेन हो गया, 12, 13, 12 यहां पर आ जाएगा, 13 यहां जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया आपके सामने। तो आप देख सकते हैं ये आपका एक ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देन ये अगेन 4 का बन जाएगा और फर्दर जो है आप इसको फर्दर अगर आप मिनिमाइज कर सकते हैं तो आप इसको इस तरह से चारों को ले सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका और यहां पर अगर आप इसको लिखेंगे तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। तो मैं पहले ए बी बार आ जाएगा, देन यहां पर जो ये फोर वाला स्क्वायर वाला बन रहा है वो आ जाएगा आपका ए सी बार, और लास्ट में जो हमारा ये आ रहा है वो आता है आपका, ये हो जाएगा ए बार सी, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे बी की भी टर्म है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ए बार सी प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार आएगा। तो यहां पे ए की टर्म्स भी है, बी की टर्म्स भी है, सी की टर्म्स भी है, बट डी की टर्म्स यहां पर नहीं है। तो यहां पे ये जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसमें टी का टर्म नहीं है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो फर्स्ट है, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे सामने आ रहा है, अब हमारे सामने कुछ टर्म्स दे रखी है, मेन टर्म एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका वैल्यू दे रखा है पी क्यू, अभी तक हमें वैल्यू दे रखी थी, अब यहां पर एक्सप्रेशन दे रखा है और उस एक्सप्रेशन से हमें जो है वो मिन टर्म एक्सपेंशन निकालना, यानी कुल मिलाकर आपको वैल्यू निकालनी है। यानी आपको चाहे तो आप उसे वन टू थ्री की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट इन्होंने आंसर में एम जीरो, एम टू, एम फोर, एम सिक्स, एम सेवन इस तरह से बताया। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपके सामने केवल तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो के मैप बनेगा उसमें केवल एट सेल होंगे,
उसमें केवल 8 सेल्स होंगे। कैसे होंगे जरा मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर आपके सामने एक पी बार आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका पी। इसी तरह से क्यू बार, आर बार, देन क्यू बार आर, देन क्यू आर, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्यू आर बार। ओके, इस तरह से आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले पी क्यू, वेयर इज पी क्यू। तो P तो यहां पर आ जाएगा और देन Q, तो यहां पर जो है आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी। P Q के करस्पॉन्डिंग जो है वो दो वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से Q R, Q R बार, Q R बार का मतलब क्या होता है, तो Q और R बार, दैट इज योर, दैट इज योर दिस वे R बार, दैट इज वेर इज Q, Q इज दिस वन, तो एंड R बार एक यहां पर आ गया आपका बार, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आपकी दोनों वैल्यू जो है, एक वन यहां पे हो जाएगा, एक वन आपका यहां हो जाएगा। तो देखिए पी के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है, ये जो दो है हमारे, ये आ जाएंगे हमारे पी क्यू के करस्पॉन्डिंग। ये जो दो वन है ये हमारे आ जाएंगे क्यू आर के करस्पॉन्डिंग, और पी आर बार, तो पी आर बार पी आर बार, तो पी यहां पर आ जाएगा हमारा एक, और एक आ जाएगा आपका आर बार, डेट इज योर इन दिस वे, ठीक है। तो ये इस तरह की वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। तो आप इस एक्सप्रेशन को जब लिखोगे तो ये आपका एम जीरो है, डेट इज योर जीरो, इट इज योर एम वन, इट इज योर एम थ्री, इट इज योर एम टू, दिस इज योर एम एम फाइव, M7 और M6। तो कहां कहां पर हमारी 1 की टर्म है, तो 1 की टर्म हमारी है M2 पर, प्लस M4 पर, प्लस M6 पर, प्लस M7 पर। तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है फर्स्ट है, प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर, M2, M4, M6, M7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट है। तो देखिए के मैप को सॉल्व करना बहुत इजी है, आपके सामने एक क्वेश्चन होता है उसको आपको मिनिमाइज करना है। तो के मैप का जो यूज हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो अपने लिए क्वेश्चंस को या किसी भी एक्सप्रेशन को जो है मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे वो जो क्वेश्चंस थे या तो हमें एक्सप्रेशन में दे रखे थे या वैल्यू में दे रखे थे, हो सकता है हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो और उस एक्सप्रेशन से जो है हमें फर्दर उसे मिनिमाइज करके दूसरे एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। डन है, क्लियर है, ओके। चलिए हम लोग जो है अपने लेक्चर की इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट अ मिनट। और देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है मैं इन क्वेश्चंस के पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे भी जो है आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग, उस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपको फिर से उसे सम ऑफ द प्रोडक्ट में मिनिमाइज करना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास फोर वेरिएबल है, तो फोर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कितने आउटपुट होंगे, 16 होंगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको अगेन दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। इस तरह से आ जाएगा, अब आर एस ठीक है। चलिए अब वैल्यू, ओके नाउ पहले पी क्यू है, तो देखिए पी क्यू के अंदर आर और एस नहीं है, तो पूरे टर्म्स जो है पी क्यू में इस तरह से आ जाएगा, पी क्यू ही आएगा केवल, आर एस नहीं आएगा, देन पी बार, पी बार क्यू, ओके। चलिए पहले पी बार क्यू देख लेते हैं कि पी बार क्यू कहां कहां पर है। तो पी बार क्यू जो है केवल हमारा यहां पर है, ठीक है। अब उसमें आपके साथ R का टर्म है, R का टर्म है, बट उसमें जो है S का टर्म नहीं है, तो आप इसे यहां पे लिखेंगे, ठीक है। देन अब यहां पर चार टर्म है, तो चार टर्म का मतलब है केवल एक ही सेल के अंदर वन आएगा,
ठीक है, तो P बार Q, ओके, देन R बार S, दैट इज योर दिस वे। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब इसको मिनिमाइज अगर आप करोगे तो एक तो एज इट इज आपका यही आ जाएगा, ठीक है। देन फर्दर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक और चार का, और यहां पर अगेन एक चार का। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये देखो, ये तो आपका पी क्यू ही आएगा अगेन निकल कर, और ये जो टर्म है ये निकल कर आएगी, जो चार कॉर्नर के जो फोर है वंस है वो आपके क्या निकल कर आएंगे, वो आएंगे आपके पी बार, जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट अ पी बार, इट्स अ क्यू और आर, क्यू आर आएगा, और लास्ट जो ये बीच के जो मिडल वन है ये जो है ठीक है, तो ये जो है क्या आएगा, ये आएगा क्यू एस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस, ओके। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, और ऑप्शन में फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है, डन है, क्लियर है। तो देखा आपने कि अगर आपको के मैप का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर अच्छी तरह से पता है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जो मिनिमाइज्ड है वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपका कोई भी सवाल है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और ये जो सवाल है आप YouTube पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट्स आता है तो उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज है उन कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हमारा जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, ओके, डन है, क्लियर है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये तो था आज के इस लेक्चर के बारे में, और भी जो आपके सवाल हैं उनको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ओके। और हमारी जो क्लास है वो डेली 7 बजे शाम को लगती है BSI Academy कंप्यूटर साइंस चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल के अलावा हमारे जो BSI Academy का जो मेन चैनल है उस पर हम लोग जो है 9 बजे जो है UGC NET की क्लास लेंगे, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अगेन टुमारो एक नए टॉपिक के साथ, ओके। सो लाइक करना मत भूलिएगा।